people ask, yeah, what do your husband do? What's his name? The moment she says Jagdish Chaturvedi, they're like, unki tabiyat to theek hai na? Wo dawai wai to lete hai na time se. Yaar tu aage ka soch le behan. Soch le. Secondmarriage.com naam ki cheez hoti hai. Thoda uske bare mein bhi soch le agar. Mere patients ka socho yaar, patients soch ke aate hain, acha online Jagdish Chaturvedi, acha 1000 rupaye consultation theek hai, hoga. And then they enter my chamber with the baby face. They're like, डॉक्टर साहब नहीं है? बोले यार मैं ही हूँ डॉक्टर साहब. सिस्टर ये डॉक्टर के चैम्बर में वरुण गांधी क्या कर रहा है? हाँ लगता हूँ ना वरुण, बहुत बार पिटते हुए बचा हूँ मैं. I am not able to connect to the way these guys talk nowadays. Have you seen the style of these youngsters, the way they talk? Huh? Somebody, किसका फोन बज रहा है भाई? किसका बज रहा है? अच्छा 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 relatives. Only relatives can talk like that. भले ही 200 लोग हों, हाँ बेटा बज रहा है, तेरे मेरे दादाजी का बज रहा है. अच्छा तो just talking about how older people talk, I am having a disconnect with the youngsters. In fact, the way they start with the same word, end with the same word, कुछ बीच में समझ में नहीं आता. Bro, what's up, bro? Hey, bro, what your bro? Hey, bro, what you doing, bro? मतलब bro, bro. एक बार पीछे मुड़ के बोला ब्रो आई ब्रो, बोला व्हाट हैपेंड टू योर आई ब्रो, ब्रो आई ब्रो एंड हु इज विद यू, ब्रो 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 ब्रो. इफ आई गो फॉर अ शो, दिस इज हाउ दे एनकरेज मी, यू नो दे से यू गोइंग फॉर अ शो, किल इट ब्रो, डिस्ट्रॉय इट ब्रो. यार आई कम फ्रॉम अ टाइम वेयर किलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मेंट बैड थिंग्स. मतलब ये कैसी कॉम है भाई, ये कैसे, लाइक हाउ आर दीस गाइस गोइंग टू डू दिस. एंड आई गेट कैरिड अवे. You know, I do a surgery. My boss asks, "How was the case, bro? Killed it, bro? I destroyed it, bro." Then he wanted to kill and destroy me. अब ऐसे patient को तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम operation कर रहे हैं, operation theatre के बाहर patient बैठा है. हमारे बाबूजी का surgery किए थे, कैसा हुआ? मार डाला मैंने. खल्लास, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, नेस्तनाबूत कर दिया, राख, राख कर दिया, मैंने राख कर दिया. देखो तालियां बज रही. ऐसे करेंगे तो पेशेंट मारेंगे डॉक्टर को. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कॉमेडी फॉर सिक्योरिटी रीजन. आजकल बैकअप प्लान रखना पड़ता है. ग्रीटिंग्स आजकल के यंगस्टर्स, हैव यू सीन हाउ दे ग्रीट? हमारे जमाने में, मतलब मैं थिंक अबाउट मी, आई एम 35 इयर्स, में हमारे जमाने में अभी से शुरू हो गया मेरा. आई मीन व्हेन आई वाज स्मॉल, यू हैव टू मीट एल्डर्स, यू हैव टू टच देयर फीट. वो तो पैसा भी मिलता था तो इसलिए हम लोग पैर छूते थे. वो पैर से फिर घुटने पे आ गए. बुआ जी जोड़ों का दर्द तो ठीक है फिर. अच्छा वो मेरी बुआ जी है क्या? अरे बुआ जी हेलो. जोड़ों का दर्द ठीक है ना? अच्छा अच्छा. फिर हिप तक बेंड करते थे, फिर उसके बाद वेव होने लग गया, फिर उसके बाद नॉट होने लग गया. जस्ट टू डेज बैक आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, आई सॉ अ फ्रेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. दिस इज हाउ शी ग्रीटेड मी. बाइनरी कोड, आई डिडंट इवन नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. लाइक इसको क्या बोलूंगा मैं, रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा? मोर्स कोड टक टक, पता क्या चल क्या रहा है? ऐसे करो ऐसे करो, मतलब क्या? We have to do the same thing. अरे हाँ भाई, कॉमेडियन कौन हूँ? अच्छा अच्छा. यू हैव टू डू द सेम थिंग. अरे सर ऐसे नहीं सर. और हर आजकल के जो यंगस्टर्स ग्रुप है उनको हग करना जरूरी है. मतलब वो ग्रुप हग के लिए ही बना है, उसको ग्रुप हग बोलते हैं. हाँ मतलब जब कोई आए, हाँ चार पांच लड़के ग्रुप में, दो तीन लड़के हग के लिए खड़े होते हैं, उनका हग है वो. ठीक है. और वो उनका बड़ा स्टाइल होता है, लाइक दे कांट जस्ट रैंडमली गो एंड हग एवरी गर्ल ना, तो उनका बड़ा स्टाइल मैंने नोटिस किया है. वो लोग ऐसे आएंगे, ठीक है, लड़की हग करती है तो उसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं करती है तो शेक हैंड कर देंगे. हाँ ये जो लोग समझते हैं वो समझ गए भाई. रिसर्च किया है हमने. हाँ हमारे ज़माने में हम और किसी को नहीं छूते, हम अपने आप को छूते हैं. तो नमस्कार बोलते हैं. ये इस जोक पे हंस रहे हो, उसे पहले वाले जोक पे हंस रहे हो. मतलब आई कुड सी द जोक हिट देम, लाइक ऐसे आया. थोड़ा लेटेंट फेज है भाई आपको, थोड़ा फीडबैक नहीं मिल रहा मुझे ठीक से. यंगस्टर्स टुडे लाइक
टॉयलेट को मतलब टॉयलेट नहीं बोलता कोई. लाइक आई डोंट नो व्हाट्स अ प्रॉब्लम. लाइक पहले संडास लैटरिन में क्या प्रॉब्लम थी. नहीं क्या प्रॉब्लम है उसमें. यू नो गोइंग फॉर अ शिट को बोलना नहीं चाहता शिट. आई एम गोइंग टू द रेस्ट रूम. इट्स एन एलीट रेस्ट रूम. जैसे कि कुछ बदल जाएगा रेस्ट रूम बोलने से. लाइक दे जस्ट वांट टू अवॉइड सेइंग शिट. आई हैव सीन पीपल से दिस शिट आई हैव टू गो टू द रेस्ट रूम. जो शिट बोलना ही था तो बोला आई वांट टू गो फॉर अ शिट. रेस्ट रूम में लाइक एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ रेस्ट रूम. कौन रेस्ट करने जाता है उधर. लाइक कौन है. अच्छा मैं थक गया हूँ मैं थोड़ा रेस्ट रूम जाके आता हूँ. मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ. नहीं देयर इज नो रेस्ट इन रेस्ट रूम. देयर इज हार्ड वर्क सॉफ्ट वर्क मिक्स्ड वर्क. फॉर मोस्ट मैन ऑल द वर्क हैपेंस देयर ओनली. ईमेल फोन साइन डॉक्यूमेंट सब. दैट्स व्हाट वी मैन कॉल इट स्पेस. गिव अस आवर स्पेस. वी प्रोटेक्ट इट विद आवर स्मेल. That's where we get our work done. Yeah, we take rest after the restroom. Loo, loo matlab garam hawa, right? I'm going to the loo. No, I've just come from the loo. I'm like, no, loo has come from you. You not come from the loo. मतलब पहले से ही confusion था toilet में. पुराने ज़माने में बोलते थे fresh होके आ गए. मैं एक बार था मतलब मेरे ताऊ जी पूछ रहे थे. मैं सुबह उठा बोले बेटा fresh होके आ गए. मैं बोला हाँ मैं fresh हूँ सोके उठा हूँ मैं fresh. He got worried. अरे बेटा सच में फ्रेश हो गए. मैं हाँ मैं तो हमेशा फ्रेश रहता हूँ. मेरे को अस्पताल ले चेकअप कराया कि भैया इतना फ्रेश क्यों रहता है ये. इसका कुछ कोलोनोस्कोपी वगैरह कराओ. दिस थिंग आजकल का डेटिंग सीन टोटली बदल गया. हाउ मेनी पीपल आर ऑन टिंडर. गिव मी अ चीयर गिव मी अ चीयर. आई कांट सी यू गाइस. अरे ये पति है कोई. ये पति है. कोई नहीं बताएगा. अभी ऑन करेंगे सब राइट लेफ्ट स्वाइप करेंगे. नहीं सो टिंडर इज अ डेटिंग ऐप. नहीं नहीं. हाउ मेनी पीपल ऑन टिंडर रियली. जस्ट गिव मी अ चीयर. आई कांट सी यू. अरे वाह. अच्छा एक बार एक ने बोल दिया तो सब आ गए. क्या डेटिंग का मतलब. लाइक यू डोंट हैव टू इवन सी ईच अदर. ऐप पे चेहरे दिखते हैं आप. राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप मैच करो. लाइक किसी ने मुझे बोला यार जगदीश तेरे जो कॉमेडी मटेरियल है ना लाइक थोड़ा पुराना जमाने का है. यू ट्राई एंड रिलेट टू द न्यू गाइस. हेलो गो ऑन टिंडर एंड यू नो लाइक क्या मैं शादीशुदा हूँ. यू नो मेरे असली में टिंडर की जरूरत पड़ जाएगी. बट मैंने सोचा चलो कह रहा है तो ट्राई कर लेते हैं. सो आई वेंट ऑन टिंडर एंड विद इन 5 मिनट्स आई गॉट अ मैच. थोड़े तो फायदे हों उसके. आई मीन आई गॉट अ मैच. दिस गर्ल इज लाइक व्हाट्स अ डॉक्टर डूइंग ऑन टिंडर. मैं डॉक्टर हूँ. मैं इंसान हूँ यार. मेरी भी ज़रूरतें हैं. मैं भी डेटिंग कर सकता हूँ. नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर आर यू. बोला ईयर नोज थ्रोट. ओ ईएनटी माय फेवरेट. यू नो व्हेन आई टेक बाथ माय वाटर एंटर्स माय ईयर एंड इट गेट्स क्लॉग्ड एंड आई कांट हियर एनीथिंग. इट मस्ट बी वैक्स इन योर ईयर. सो टेक सॉलीवैक्स ईयर ड्रॉप्स 3 drops इन द मॉर्निंग 3 drops इन द नाइट फॉर 1 week एंड देन रिव्यू इन माय ओपीडी फॉर सिरिंजिंग एंड फ्लशिंग. अनमैच्ड. उसी समय मेरे को लगा कुछ कटा. And you know that's this thing. And then you have consultations on apps. You know, I was once consulting on an online platform, and there's this patient Shweta. She's like, "Hamara 6 o'clock ka appointment hai doctor. Can we shift it to 6:30?" I'm like, "Yes, Shweta, we can shift it to 6:30. No problem." I get in response 4 likes, 2 hearts, and 3 kisses. Oh, maine dekha ye hua kya? Then my smartphone or over smartphone had auto corrected Shweta to sweetheart. टिंडर पे कंसल्टेशन हो रहा है. कंसल्टेशन पे टिंडर हो रहा था. मैं बहुत कंफ्यूज हूं. आई हैव टू कॉल हिम सिक नाउ. बट यू नो व्हाट्स द लेटेस्ट डेटिंग प्लेटफॉर्म टुडे. लाइक व्हाट्स द मोस्ट इफेक्टिव डेटिंग प्लेटफॉर्म टुडे. यू ऑल यूज्ड इट. यस ईच वन ऑफ यू. इट्स कॉल्ड ओला शेयर. उबर पूल. यू सी द स्कैम दैट दिस इज. एक बार एक ओला शेयर मैंने बुलाई थी. मेरे को बड़ी अजीब चीज दिखी. फ्रंट सीट इज एम्प्टी एंड बैक सीट में लड़का बैठा है. बोला फ्रंट सीट किसने छोड़ी. सो आई सैट इन द फ्रंट सीट राइट. उसके बाद बैक सीट में एक लड़की आके बैठी. उसके बाद बोला ओह यू आर फ्रॉम यस बैंक. शी इज लाइक यार हाउ डिड यू नो. मैं बोला यार ये वहीं से निकल के आई है यस बैंक से. इतना दिमाग भी नहीं लगाया उसने. मेरा डेस्टिनेशन के रस्ते में लोग बात करने लगे एक दूसरे से जैसे बहुत जन्म के साथ ही हो. You use Uber na? और बोला भाई हाँ एड़े Uber में बैठे हैं हम लोग. कुछ तो innovative बोल. मैं rear view mirror में देख रहा हूँ. मेरे को cab driver बोला है सर रोज का काम है सर ये रोज होता है सर.
रोज होता है। आप 4 बजे से 5 बजे आओगे ना, उस समय बेस्ट सेटिंग होती है। काम छूट के आते हैं लोग उसी समय। आप अगर दोपहर में आएंगे आंटियां मिलेंगी। 4 से 5 बजे के बीच में बुक कीजिए। मैं बोला, बोले चल क्या रहा है इधर, मेरे डेस्टिनेशन आने से बोला उन लोगों ने अपना डेस्टिनेशन बदल दिया। बोला लेट्स गो टू कॉफी कैफे डे। थोड़ी देर बाद बोले लेट्स गो टू आवर हाउस। अगले बोलेंगे लेट्स गो टू कोर्ट। मुझसे पूछेंगे तू विटनेस बनेगा। I like the way that the people of today, na, the kids of today, how they want to say something bad, but they get away with it. You can be dekha. They use a very nice lingo, you know. They want to say something bad, but they don't want to get hurt, or they don't want you to feel bad. So they use this trick called just kidding. Suna hai na, sabne. Just kidding ke pehle jo aata hai na, bhai, wo sach hai. Sarasar sach hai. Kyunki wo aur kisi setting mein use nahi ho sakta. Like, you're looking so beautiful today. Just kidding. I was once in the lift, right? I was in the lift and my colleague entered the lift. Aur wo thoda sa, matlab, I think, I don't know. So I just, to be polite, I said, oh, congratulations. How many months? So bola, what? Just kidding? Look, bachata bhi hai, just kidding. But bachata bhi hai kabhi kabhi. अच्छा दूसरा है दिस ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पीपल यूज इट्स कॉल्ड डैम यू ऑटो करेक्ट हैव यू हर्ड ऑफ दैट DYAC और ये बड़ी सही चीज़ है यार आप ऑटो करेक्ट के मामले में कुछ भी बोल सकते हो लेकिन मेरे दोस्त ने एक लड़की को लिखा लेट्स गो डेट उसने लिखा व्हाट आई सेड लेट्स गो ईट सॉरी ईट ऑटो करेक्ट ऐसे करके बता मेरे को एक बार अपनी बीवी से मैसेज आया आई वॉन्ट तलाक बोले नो आई वॉन्ट टू टॉक फिर मैं ज्यादा डर गया तो तब भी ठीक है अभी क्या होगा बोलते समय भाई